हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखेंगे एलजेब्रा। एसएससी की प्रिपरेशन तैयार शुरू कर रहे हैं और एलजेब्रा की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, और एलजेब्रा में वो क्वेश्चंस हम लोग लेने वाले हैं जो मोस्ट प्रोबेबली जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है आने वाले एग्ज़ामों में। और सीएचएसएल की प्रिपरेशन करेंगे। 1 महीने का टाइम रह गया है, लगभग तो 2 1.5 महीने का टाइम आपके पास है, लगभग 50 डेज़ है। तो 50 डेज़ में एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री सब कुछ एक एक करके ले चलेंगे। एडवांस पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि एडवांस से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और एलजेब्रा पे वो क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ आपको जो क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनकी एसएससी में आने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हम ले रहे हैं क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पेपर में आने की बहुत ज़्यादा है। फ्रिक्वेंटली वो पिछले 10 15 सालों में कई बार रिपीट हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो पहले शुरू कहाँ से करेंगे? पहले फॉर्मूलेस देख लेते हैं। फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, आपको सारे फॉर्मूलेस पता होना, तो पहले फॉर्मूले चलिए शुरू करते हैं। चलिए बेसिक फॉर्मूले शुरू करते हैं। पहला फार्मूला ले लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बहुत बेसिक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बहुत सबको पता होगा। दूसरा, अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो कॉमन सा है, बहुत कॉमन है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा, अगर हम कहें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको अगर हम माइनस करें ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो हमारे पास क्या आएगा? 4ab आएगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर इसी को ज़रा सा अगर फिर बदल कर लें, ए माइनस बी स्क्वायर कर लें, ठीक है, अब हमने इसको क्या किया, इसको ये वाला पहले ले आए हैं और ए ये वाला बाद में ले आए हैं, तब क्या होगा? तब -4ab आएगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्यूब का देख लेते हैं। ए माइनस बी का होल क्यूब, ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इससे क्वेश्चंस आगे हम लोग बहुत ज़्यादा सॉल्व करने वाले हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस, सॉरी, -3ab ए माइनस बी, ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, छठा फॉर्मूला देखते हैं। अगर इसको इसमें हम प्लस कर देते हैं, उसका क्यूब करेंगे, क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, सारे प्लस में हो जाएंगे, कोई ज़्यादा हैक्टिक होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगर थोड़ा सा और इसको ऐड देखिए, ये दो फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं टिक करते जा रहा हूँ। सातवां देख लेते हैं। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ ये नोटिस करने वाली चीज़ है और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये मैं लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, ए स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आठवां देख लेते हैं। ए क्यूब अगर ये प्लस बी की बी क्यूब हो, बस चेंज क्या होता है, जो माइनस का यहाँ था यहाँ पे बस हो जाएगा प्लस, ठीक है, लेकिन अंदर एक चेंज और हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए बी, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर्मूलेस। ठीक है, इन फॉर्मूलों पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इन पे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नवा देखते हैं। ठीक है, चलिए नवा देख लेते हैं, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ए प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर करना, ठीक है, ए प्लस बी का हमने यहाँ किया था ना, ए प्लस बी प्लस सी अगर 3 हो तब क्या करेंगे आप? तो देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना तो आपको करना ही है, प्लस 2 बाहर ले लीजिए, तो अंदर भी ले सकते हैं, चलिए बाहर ही लेते हैं, ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो टिक मैं कर रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसको करते हैं यहाँ से डिलीट और बाकी फॉर्मूले हम ऊपर लिखेंगे।
क्योंकि हम इसको एक पन्ने पे लाना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये देखिए मकसद ये है कि जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे एक रफ शीट पे पेपर पे आपको बनाना है, ए फोर साइज पेपर बनाएंगे बेस्ट है, ठीक है। अभी बताता हूँ मैं करना क्या आपको। 10वां फॉर्मूला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है, इससे क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, -3ab, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे एसएससी में हर साल हर बार एक से दो क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है। इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट, ठीक है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यहाँ जगह नहीं है, सी ए, क्लोज करते हैं इसको। हालांकि ये जो है शायद, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, ये पीपीटी से बाहर जा रहा है, इसको मैं ऐसा करता हूँ, एक मिनट, माइनस सी ए, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। होता क्या है, इससे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, देखिए कंडीशन होती है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तब इसकी वैल्यू क्या होगी, बता सकते हैं, सिंपल है यार, 3abc। जब ये चीज़ पूरी 0 हो जा रही है तो ये पूरा जो प्रोडक्ट है वो 0 बन जाता है और इसकी वैल्यू 3abc होती है। ये क्वेश्चन कई बार एसएससी में आया, एसएससी का फेवरेट है, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये जो हो जाता है ये कहीं ना कहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन हर साल एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है। अब करना क्या आपको मैं बताऊँ, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही एक फोर शीट पे इसको नोट कर लीजिए, ऐसे ही कॉपी कर लीजिए और वहाँ वहाँ रखिए जहाँ जहाँ आप दिन भर में गुजरते हैं, मतलब जहाँ पढ़ते हैं अपने स्टडी टेबल पे, ए फोर साइड पे दो तीन कॉपी फोटो कॉपी करा लीजिए, अपने पॉकेट में रखिए। इस फॉर्मूले को अगले 1.5 महीने तक अपनी ज़िंदगी में उतार दीजिए, उठते बैठते खाते पीते सिर्फ आपको ये फॉर्मूले दिखने चाहिए। कैसे दिखेंगे, वहाँ वहाँ फॉर्मूले को अपने पास रखिए। देखिए अपने पास कैसे रख सकते हैं, आप फोटो कॉपी करा लीजिए, ठीक है, करा ली आप 3-4 कॉपियाँ उसकी, फोटो कॉपी पहले एक जगह नोट करिए और उसको 3-4 फोटो कॉपी करा लीजिए। फोटो कॉपी कराने के बाद आप क्या करोगे, इसको रखोगे अपने पास, कहाँ कहाँ, जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे, उसके अलावा अपने पॉकेट में रख सकते हो आप, ठीक है, और कोशिश करो जहाँ आप सोते हो वहाँ पे कहीं पेस्ट कर दो, पेस्ट कर दो, ठीक है। ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट, ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, ये है ये है ये है, ये तो जो लाल से मैंने मार्क की है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। आगे आगे हम देखेंगे क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, फिलहाल ये फॉर्मूले आपकी ज़ुबान पे होने चाहिए, अगर ये आपको बेसिक नहीं पता है तो आगे आप कुछ नहीं कर सकते। सिंपल सा अगर आपको ये दे दिया जाए और आपसे मतलब ए बी सी, अगर इसका इसका फॉर्मूला सिंपल दिया जाए और उसको सोल्यूशन आपको सोल्यूशन इसका पूछा जाए, जब आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसको करना क्या है, इसको अपनी ज़िंदगी में उतार लेना है इन फॉर्मूले को, और मुंह जवानी आपको जब भी मैं पूछूं ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ज़्यादा नहीं है, 10 फॉर्मूले ज़्यादा नहीं है, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो होते हैं अलजेब्रा के वो मैंने निकाल के रखे हैं। इसको एक ए फोर साइज पे पेपर बनाना है और इसको हर जगह आपको अपने साथ रखना है, जब तक आपको याद नहीं हो जाता, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, अगले 1.5 महीने 50 दिन इस फॉर्मूले के साथ आपको जीना है, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चंस लेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूँगा मैं, स्टेप बाय स्टेप लूँगा, और ये वीडियो जो अलजेब्रा का है ये 3-4 पार्ट में बनाऊंगा, ये पहला पार्ट है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो बनाना भी थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने भी पढ़ा है, मुझे पता है कि स्टूडेंट कब बोर होने लगते हैं, तो ज़्यादा लंबा नहीं। आज का जो पहला पार्ट था आपका, ये मेन आपका फॉर्मूले थे, आज आपके दिन में आपके फॉर्मूले आपको एक टेबल पे लिखना है, एक जगह लिखना है और उनको याद करना है, ठीक है। आगे दो चीज़ दो चार क्वेश्चन भी लेंगे इस पे और हम देखेंगे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस ले लेते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, इससे इजी अलजेब्रा में क्वेश्चन नहीं होते हैं। क्या कहा है इन्होंने, एक्स अपॉन 1 अपॉन x इक्वल टू 2 है तो फाइंड, आप क्या करके बताओ, x की पावर 17 प्लस x की पावर 19,
ये एसएससी में तक 2009 में, 2011 में, 2014 में, 13 में और 2014 में और 2016 के अभी भी पेपर जो हुआ है एसएससी का उसमें आया है। अभी जो पेपर हुआ था सीजीएल का उसमें आया हुआ। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुए हैं और इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कोई ऐसा कुछ नहीं है कि सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, जब वैल्यू आपके पास एक्स वन अपॉन एक्स दी हुई है इक्वल टू टू, ठीक है, और फाइंड करने को क्या कहा गया है, एक्स की पावर 17 प्लस एक्स की पावर 19। आंख बंद करिए और ये गिन लीजिए कितने एक्स टर्म इधर हैं, कितने हैं, एक दो, आंसर हो गया टू। क्या किया देखिए, बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ कैसे आया, कैसे, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ ये टर्म आया कैसे। देखिए अगर वहाँ एक्स टर्म यहाँ पे तीन होते तो आंसर आपका तीन होता। कैसे, देखिए एक्स क्या है, ये क्या है, एक्स वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू, एक्स की कोई ऐसी वैल्यू रखना है आपको जो ये टू बना दे, हम वन मान लेते हैं, तो वन अपॉन वन प्लस वन एक्स इक्वल टू वन रखा है, ठीक, इक्वल टू टू, टू इक्वल टू टू, ये कर गई सेटिस्फाइड। ठीक है, सेटिस्फाइड कर गई मतलब एक्स की वैल्यू वन होनी चाहिए। अब यहाँ आ जाइए, एक्स की वैल्यू वन यहाँ रखेंगे तो वन की पावर 17 अपॉन वन की पावर 19 इक्वल टू वन प्लस वन प्लस वन, वन की पावर कुछ भी हो टू ही आएगा। ठीक है, और शॉर्टकट कहाँ पे है, शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इसको सब डिलीट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन था आपके पास और फाइंड करने को जो कहा गया था एक्स की पावर 17 प्लस एक्स की पावर 19 फाइंड करने को कहा गया था। शॉर्टकट कहाँ पे है, कभी भी किसी चीज़ का रेसिप्रोकल मतलब वाई अपॉन वन प्लस वाई इक्वल टू टू है, ठीक है, इस तरह टर्म बन रहा है, या एक्स प्लस वन अपॉन एक्स है, तो इधर के जितना भी कुछ फाइंड करने को कहा गया उनके एक्स के टर्म गिन लीजिए, वन टू जितने टर्म होंगे वही आपका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और लेते हैं, सिमिलरली एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू है और यहाँ फाइंड करने को कहा है, आपको कहा गया फाइंड करिए एक्स की पावर 17 प्लस एक्स की पावर 18 प्लस एक्स की पावर 19 प्लस एक्स वन अपॉन एक्स की पावर 14। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये कंडीशन पहले सेटिस्फाई करती है, वन यहाँ अगर एक्स की इस एक्स की पावर वन रखेंगे तो ये टू बन जाएगा। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। ठीक है, मैंने कहा है कि किसी चीज़ का किस मान लीजिए जेड प्लस वन अपॉन जेड, इसका दोनों का रेसिप्रोकल किया जाए और टू आ जाए, तो बस आगे फाइंड करना है, कुछ नहीं करना, फाइंड अपने क्या करना है, आपको टर्न गिन लेने हैं, वन टू थ्री फोर, आंसर विल बी फोर। शॉर्टेस्ट ट्रिक है, इससे आसान ट्रिक आपको नहीं मिल सकती, सबसे सिंपल ट्रिक है। एक क्वेश्चन और, सिमिलरली ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ये एसएससी के सारे क्वेश्चन आए हुए जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू है, ठीक है, फाइंड करने को कहा है उसने एक्स की पावर 14 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 20, क्या होगा। फिर वही बात, जहां एक्स ये जो है वन रखें तो क्या होगा, वन का स्क्वायर वन अपॉन वन का स्क्वायर इक्वल टू टू, टू इक्वल टू टू सेटिस्फाई करता है, खत्म बात। यहां कितने टर्म है एक्स के, एक दो, आंसर हो गया दो। आप समझ रहे हैं मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, यहां पे एक्स क्यूब अपॉन वन अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू टू है और फाइंड करने को आपको कह दिया गया है एक्स की पावर 18 प्लस एक्स की पावर 100 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 107 प्लस एक्स की पावर 104। इफ दिस, अब ये देखिए एक्स की पावर क्यूब है, एक्स की पावर क्यूब इक्वल टू टू है,
यहाँ एक्स की पावर वन रखेंगे तो वन का क्यूब वन होगा, वन का क्यूब वन होगा इक्वल टू टू, वन प्लस वन इक्वल टू टू, टू इक्वल टू टू कंडीशन सेटिस्फाई करती है। तो एक्स की वैल्यू वन हो गई। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ वन रखेंगे तो कुछ नहीं करना है, बस आपको टर्म गिन लेना है, वन टू थ्री फोर। एक्स कितने, एक्स एक्स कितने टर्म है, फोर टर्म है। आंसर विल बी फोर। सिंपल है, यहाँ कुछ भी हो, अगर यहाँ दो टर्म का रेसिप्रोकल दिया गया हो, मान लीजिए वाई है और वन प्लस वाई इक्वल टू टू दिया गया है, पहला कंडीशन ये है कि ये होना चाहिए, उसका उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, इक्वल टू टू होना चाहिए। अब ये चाहे ये टेन हो, ये टेन टेन हो, चाहे ये हंड्रेड हंड्रेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इसका और दूसरे का रेसिप्रोकल इक्वल टू टू है। बस फाइंड जो करने को आप आएगा उसका सिर्फ आपको क्या करना है, टर्म काउंट करना है, जितने टर्म है बस उतने टर्म काउंट कर लीजिए, वही आपका आंसर है। बेसिक सा है, बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। और ये क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं एसएससी में, बहुत ज़्यादा आते हैं। एक्स अपॉन वन अपॉन एक्स, चाहे क्यूब हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि अगर यहाँ वन रख रहे हैं, एक्स इक्वल टू वन रख रहे हैं ना, तो एक्स की पावर चाहे जितनी हो जाए वो वन ही आना है। तो एक्स की पावर चाहे कुछ भी नहीं, कुछ भी ना हो, और एक्स की पावर चाहे हंड्रेड अपॉन वन अपॉन एक्स की पावर हंड्रेड इक्वल टू टू है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू वन ही रखोगे आप और टू बना देगा वो, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा, आप फाइंड करने के कुछ भी आ रहा है, जब एक्स की पावर आपने वन ले ली है, ठीक है, तो यहाँ कितना लंबा टर्म, एक्स क्यूब हो, वन अपॉन एक्स क्यूब हो, प्लस एक्स क्यूब हो, प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर हो, वन एक्स की पावर टेन फाइव हो, प्लस एक्स की पावर इलेवन हो, कुछ भी हो, कितना कुछ कितना लंबा टर्म हो, क्योंकि एक्स की पावर वन, एक्स की वैल्यू जो है वन सेटिस्फाई की है, तो यहाँ वन वन आप रखते चले जाओगे तो वन 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 ऐड होता चला जाएगा। उससे अच्छा है कि आप टर्म गिन लो, एक दो तीन चार पाँच छः टर्म है, टर्म कितने आए, छः आए हैं, तो आंसर आपका कितना होगा, छः। बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था, इससे इजी लेवल क्वेश्चन नहीं मिलता। और ये सीजीएल में इस बार दो बार आया है, और सीएचएसएल में कई बार रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़ेंगे और एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का बढ़ाएंगे और ये देखेंगे। अब यहाँ पे एक्स तो है, इसका रेसिप्रोकल वन अपॉन एक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2x है, तो वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज, फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड ये करना है क्या है, 8x क्यूब अपॉन x क्यूब हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। पहली कंडीशन हमारी तो x इक्वल टू वन यहाँ रखेंगे तो ये वन वन अपॉन हाफ आ जाएगा, टू नहीं बन पाएगा, ठीक है, थोड़ा सा उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब यहाँ करेंगे क्या, दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए आपकी, कैसे जलेगी देखिए, इस तरह के मैं दो क्वेश्चन अभी आपको दिखाऊंगा, ये पहला है, इसी तरह एक क्वेश्चन और लूंगा मैं आगे, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए ये क्या है, पहले तो ये क्यूब है, ये भी क्यूब है, पहली चीज। दूसरा, अगर एक्स वन अपॉन एक्स का हम क्यूब करें, ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, फॉर्मूला याद है ना आपको, फॉर्मूला याद है, प्लस थ्री एक्स इंटू वन अपॉन एक्स अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, फॉर्मूला याद है कि नहीं, अगर देखिए मैंने बताया था, अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर बेकार है, ये फॉर्मूला ही लिखा है मैंने सीधे सिंपल, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए चुटकी का क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये एक्स एक्स क्यूब बन गया है, ये वन ऑन एक्स क्यूब बन गया है, तो ये एक्स और एक्स क्यूब बना है, इसका मतलब यहाँ पे पहले एक्स रहा होगा, अगर इसको हम एक्स क्यूब करें, ठीक है, अगर इसको एक्स अपन अपॉन एक्स टू एक्स को एक्स क्यूब करें, ठीक है, तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा और ये अपॉन एट एक्स क्यूब बन जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, हमें एट एक्स क्यूब चाहिए अपॉन एक्स क्यूब चाहिए, जस्ट रेसिप्रोकल, मतलब इसका उल्टा, देख रहे हैं, ये फॉर्मूला है एक्स वन प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूब का फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है,
लेकिन हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही है, क्योंकि अगर इसको हम खींच से यहीं से क्यूब करके अगर ये हम बनाने की कोशिश करेंगे तो ये बन नहीं रहा है, एक्स क्यूब 1/8x कर रहा है। हमें क्या चाहिए, 8x³ + 1/x³ चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस फॉर्मूले को मैं लिखे रहने देता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक्स, ठीक है, ये टर्म हमारे पास है x+1/2x, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इक्वल टू 2 है, ठीक है, हमें यहाँ पे 2x और वहाँ यहाँ पे 1/x चाहिए, तभी तो ये बन पाएगा, तभी तो यहाँ अगर इसका क्यूब करें तभी तो 8x आएगा। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें दोनों साइड, पहली चीज़। तो ये 2x आएगा, अंदर जाएगा तो ये बनेगा, ठीक है, इधर इधर 4 हो गया, ठीक है, 2 2 कैंसिल होगा, 2x+1/x=4। अब देखिए 2x+1/x=4, अगर अब इसको क्यूबिंग करेंगे, अगर बोथ साइड क्यूबिंग करेंगे तब यहाँ पे इस फॉर्मूले ये फॉर्मूला जो है ये देखिए, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है, तो ये 8x³ बनेगा जो हमें चाहिए था, रियली हमें चाहिए था 8x³, और यहाँ पे क्यूब अगर करेंगे तो 1/x³ जो वहाँ पर हमें चाहिए था। तो हमने क्या किया, अपने टर्म को उस आधार पे बनाया जिस आधार हमें चाहिए था, क्या करके, दोनों साइड 2 को मल्टीप्लाई करके। इस तरह के दो क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन अभी और लूंगा, अभी और क्लियर होगा आपको। फिलहाल ये क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ कर लीजिए क्यूबिंग, अब यहाँ दोनों क्यूबिंग करें तो ये हो जाएगा 8x³, ठीक है, अंदर 1/³, ठीक, यही तो हमें चाहिए था, देखिए आ गया ना, ये चाहिए था, ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या करें, +3 × 1st टर्म × 2nd टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 2x, सेकेंड टर्म क्या है, 1/x, प्लस ये टर्म, फॉर्मूला ये कह रहा है ना, मतलब ये टर्म, तो इस टर्म की वैल्यू हमारे पास क्या है, इस टर्म की वैल्यू क्या थी, x 1/x करेंगे ना, यहाँ पे वही तो लिखेंगे 1/x, लेकिन इसकी वैल्यू हमारे पास 4 है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे 4 लिख ले रहे हैं। ये चीज़ समझ में आई आपको। अब देखिए ये x से x टर्म कैंसिल हो गया, 3 2 6, 6 × 4 कितना आ गया, 24 = 64, और यहाँ 8x³ / 1/x³ तो रहेगा ही, +24, ठीक है, ये टर्म ऐसे ही रहने दीजिए, 64 - 24, इसको इधर ले आइए, कितना हो जाएगा, 40, दिस इज आवर आंसर। देखिए ये क्वेश्चन था लेंथी क्यों हुआ, उसका रीज़न बताता हूँ मैं। पहले तो ये फॉर्मूला आपको नहीं पता था, मुझे लिखना पड़ा, पहली चीज़, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, कोई वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड में होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको क्यूब चाहिए था, देखा आपको, इसको x³ करते, इसको 8x करते, लेकिन आपको 8x³ पहले चाहिए था, ये बाद में चाहिए था। दूसरी चीज़, स्टेप टू हमने क्या किया, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2x बना, और ये जो 2 2 था ये कैंसिल होके ये टर्म बन गया। अब हमने इसको क्यूब किया, अब हमने क्यूबिंग बोथ साइड की, ठीक है, तो ये किया हमने, ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन सिमिलर, बिल्कुल इसी तरह का लूंगा मैं, देखिए आपको बताता हूँ और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स इक्वल टू सॉरी 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 एक मिनट, वेयर इज माई इरेजर, ठीक है, एक्स +1/4x इक्वल टू क्या दिया हुआ है पर, 3/2, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड करना है 8x³ / 8x³। सिमिलर क्वेश्चन है जैसे लास्ट टाइम लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बत्ती कहाँ से जलनी चाहिए आपकी, यहाँ जलनी चाहिए, यहाँ हमें क्यूब चाहिए, और दोनों अगर 8x³ है, सोचिए अगर 8x³ है किसी चीज़ का, तो 8x रहा होगा तभी तो इसका क्यूब करेंगे, तभी तो 8x³ हुआ होगा, तो हमें चाहिए क्या, 2x, यहाँ पे क्या चाहिए, 2x, हमारे पास क्या है, x, वन वाली कंडीशन नहीं लग पाएगी यहाँ पे, क्योंकि वन वाली कंडीशन क्यों नहीं लग पाएगी, क्योंकि किसी एक का हमने, दूसरा क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए,
रेसिप्रोकल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम वही कंडीशन लगाएंगे जो लास्ट टाइम हमने लगाया था। क्या करें हम, यहाँ पे हमें 2x चाहिए, ठीक है, तभी तो यहाँ 2x तभी तो 8x बनेगा। तो हमने क्या किया, इस टर्म को, इस पूरे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप फर्स्ट, अब ये हो गया 2x प्लस 2/4x इधर आ गया, और इधर से 2 2 कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया, ठीक है। ये 2 2 इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 2x 1/2x इक्वल टू 3 आ गया, जो हमें चाहिए था। अब हम इसका क्यूबिंग करेंगे ना, अगर हम क्यूबिंग करेंगे तो हमें ये टर्म मिल जाएगा। कैसे, चलिए देख लेते हैं। 2x प्लस 1/2x इक्वल टू 3, अब हमने क्यूबिंग किया दोनों साइड, अब हम क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं, यहाँ भी क्यूबिंग और इधर भी क्यूबिंग, ठीक है। क्यूबिंग करते हैं तो बोथ साइड, 2x का क्यूब 8x³ प्लस इसका क्यूब 1/8x³। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, किसी को फॉर्मूला नहीं पता हो, क्योंकि अभी अभी इसका क्यूब x³ 1/x³ प्लस 3 × x/1/x अंदर करेंगे x प्लस 1/x, ये है फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आ जाते हैं ऊपर, प्लस क्या करेंगे अब, 3 × x मतलब 2x, ठीक है, इंटू 1/x मतलब 1/2x, ठीक है, और अंदर ब्रैकेट में ये है, मतलब ये है, इसकी इसकी वैल्यू क्या है, 3 है, तो डायरेक्ट हम 3 रख लेंगे, इक्वल टू 3 का क्यूब कितना होता है, 27। इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ये इससे इससे कट गया, बचा क्या, 3 और 3 बचा, 3 3 जा क्या होता है, 9 इक्वल टू 27। इसको हम लिख नहीं रहे हैं, इसको सेम ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये जो होगा ये जाएगा इधर, 27 - 9 इक्वल टू 18, दिस इज आवर आंसर। ये था फॉर्मूला, ये था आपको पहला स्टेप जो आपको करना था स्टेम में चेंज। ये क्वेश्चन एसएससी में 2014 के मेंस में आया हुआ है, और एसएससी 2011 के मेंस में आया हुआ है, ठीक है। इफ तो आपको फाइंड करना था, ये एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इफ हमारे पास क्या है, 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 5, तो फाइंड आपको करना है 5x/6x² प्लस 20x+1, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। इसके दो मेथड है, इसको फाइंड करने के दो मेथड है। पहला मेथड सिंपल है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अगर आप एक्स की कोई वैल्यू के 5 बना पाएंगे, नहीं, पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं, बहुत मुश्किल लग रहा है, ठीक है। इसके दो मेथड है, पहला मेथड मैं आपको बताता हूँ। पहला मेथड है सिंपली, क्या करिए, इसको यहाँ लेके आइए, 3x, ठीक ठीक है, 2x सॉरी 6x प्लस 1 इक्वल टू 5, क्या किया है, एलसीएम ले लिया है, तो स्क्वायर होगा प्लस 1, ये जाएगा इधर, तो 15x, ठीक, 6x² - 15x प्लस 1 = 0। अब देखिए कुछ कुछ मैच होने लगा इस तरह का, देख रहे हैं आप, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 6x² + 20x + 1, हमारे पास क्या है, 6x² + 1 - 15 = 0। इतना ये टर्म, अभी टर्म 20 हमें नहीं मिला है, यहाँ पे 20 बनाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए स्टेप टू ध्यान देने वाली, 6x² + 1 - 15, अब हमने यहाँ क्या किया, +35 बोथ साइड ऐड किया, ठीक है, +35 बोथ साइड ऐड किया, तो क्या हुआ, 6² + 1 + 20 - 35x, सॉरी ये एक्स था ना, हाँ ये एक्स था, 15x, ये भी एक्स था, तो हम 35x 35 से दोनों दोनों साइड ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 20x। अब ये टर्म सेम टर्म बना, ये देखिए, तो इसकी वैल्यू 35x रख सकते हैं, 5x,
इसके लिए 35 वैल्यू एक्स रख दी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/7 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये है एसएससी मेंस का 2015 का क्वेश्चन, पहला मेथड। इसको एक मेथड से मैं सॉल्व कर दिखाऊंगा, ठीक है? ये मेथड समझ में आया? करना क्या था आपको, इस टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस टर्म में ये बना था, ठीक है? फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास 6x² + 1 आ रहा था, लेकिन 20 ये कहीं नहीं आ रहा था हमारे पास, ये लैकिंग था। तो हमने किया क्या, हमने क्या किया, इसको हमारे पास ये टर्म आया, ठीक है? तो हमने क्या किया, +35x + 35 बोथ साइड ऐड कर दिया, तो ये टर्म पूरा कम्प्लीटली हमारे पास बन गया, जो हमने इसकी वैल्यू 35x रख दी और 5x/35 = 7 आ गया। ये था पहला मेथड। एक मेथड और हमारे पास इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो देख लेते हैं। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड हम क्या करते हैं, इसको उठाते हैं, हमारे पास क्या है 5x/6x² + 20 + 1। अब हमने क्या किया, बोथ साइड मतलब ऊपर और नीचे वाले को, ये 20x है, क्या किया हमने ऊपर और नीचे x से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय x, ठीक है? तो 5x, ठीक, ये टर्म समझ में आया, 6x² + 20x + 1 ये समझ में आया। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है? नीचे आ जाएगा 6x + 20 + 1/x, ये समझ में आया आपके? थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 5 ऊपर ऐसे ही रहेगा, 6x, ठीक है, +1/x + 20, ये समझ में आया? इस टर्म को इधर ले आए, इसको ले। अब ये टर्म देखिए, 6x + 1/x, ये टर्म देखिए, ये टर्म हमारे पास दिया हुआ है, टर्म क्या दिया हुआ है, 2x + 1/3x = 5। ये 6 टर्म बन सकता है अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने क्या किया, बोथ साइड इधर और इधर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 6x / 3/3x = 15, ठीक है? 3 3 कैंसिल हो गया, 6x / 1/x = 15, यही तो हमें चाहिए था। तो इसकी वैल्यू जो हो गई 15 हो गई, +20 हमारे पास ऑलरेडी है, 5/35, ये करने के बाद 1/7। बड़े क्वेश्चंस हैं, मेंस के क्वेश्चंस हैं, आते हैं अगर आप, लेकिन इसमें कोई हार्ड रूल नहीं है, इसमें सिंपल सा 2-3 मेथड है, आप अगर सॉल्व करेंगे और मेंस के लिए अगर आप जा रहे हैं या एसएससी सीजीएल के लिए जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेवल थोड़ा सा पेपर का ऊपर आने वाला है और ऐसा कुछ आ सकता है, और ऐसा ही कुछ आता है रदर आई से, ऐसा ही कुछ आता है। अब इतने इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाएंगे, इतने क्वेश्चन आते हैं, अब क्वेश्चन आपको ऐसे ही लगाने पड़ेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसको थोड़ा सा यहाँ वाइंड अप करेंगे और इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में लेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट, प्लीज़ सब्सक्राइब गाही एजुकेशन। थैंक यू।